अस्सलाम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है महकमे मौसमियात लद्दाख के डायरेक्टर सोनम लोट्स। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगले आने वाले दिनों में बर्फबारी की कोई उम्मीद नजर आती है या नहीं। जी सोनम साहब, पहले आपका हम इस्तकबाल करते हैं नोके कलम में। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी सोनम साहब, आप हमें बताइए कि चले कलान लगभग अब इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन बर्फबारी या बारिश भी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या आगे इन 5-6 दिनों में कोई ऐसी उम्मीद की किरण नजर आ रही है बर्फबारी की? ये तो अभी तो कोई चांस अभी कम ही लग रहा है, अभी बर्फ का चांस कम ही लग रहा है। अभी कोई एक हफ्ता तक तो कुछ नहीं है, 26 तारीख तक कोई बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। इस बार वैसे भी दिसंबर से लेके नवंबर दिसंबर पूरा ड्राई रहा है, और जनवरी भी अभी आप तो किला कलम खत्म हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी वजह से ड्राई खुशकाली रहने की वजह से जरूरत में भी इजाफा हुआ है। यानी कि लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, खास करके कश्मीर और लद्दाख में लगने लगे कि टेम्परेचर यानी राइस होने की वजह से अभी किला कलान खत्म नहीं हुआ, अभी आपको लगने लगा है कि मौसम बाहर आया है। लद्दाख में तो बहुत सारे जगहों पे देखो जो नया पौधे बिल्कुल निकलना शुरू हो गया, जो कि जनरली फरवरी की एंडिंग या मार्च में होते हैं, लेकिन अभी पहले ही किला कलान के बीच में ही वो है, यानी कि ये चिंताजनक विषय है। तो आपको जो विंटर में यानी कि मौसमी सर्दी में आपको मौसमी बाहर का फील होते हैं देखने को मिल रहा है, तो ये है। हालांकि ये बर्फबारी ना होना पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन ये पहले इस बार थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ये हुआ है। तो अभी कुल मिला के ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, एंडिंग जैसे जनवरी के एंडिंग में 28-29 या 30 के बीच में थोड़ी मैदानी इलाकों में भी थोड़ी दिन में चंद हल्की फुल्की बारिश होने का बर्फ होने का संभावना है, लेकिन कोई अच्छी तगड़ा बर्फ होने का कोई इम्कान नहीं है। आप इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं जो इस बार ये बर्फबारी नहीं हुई? बताते आ रहे हैं कि एक मेन है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस बार, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो एक मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी होते हैं, इंटेंस या तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, एक्टिव WDM जिसको बोलते हैं, वो आ नहीं पाया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है बल्कि जो वेस्ट की तरफ से जैसे मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी या सतह समंदर से ईरान अरब से होते हुए देन यहाँ पे जो बर्फ लाते हैं वो एकदम हो नहीं पाया है। तो और जो हमारा एक होता है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, हवा के एक झुंड होते हैं दरिया की तरफ मतलब जमीन से 10-15 किलोमीटर ऊपर, जो वो थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे शिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और दूसरे जहां तक गर्मी का तो ये है कि गर्मी बर्फ ना होने की वजह से गर्मी हुआ है, जब बर्फ नहीं है तो आपको आइसी विंड जिसको हम बोलते हैं बर्फीली हवाएं नहीं आ रहा बल्कि नॉर्मल हवा आ रहा है जो कि गर्म हवा है, इसीलिए टेम्परेचर भी राइज हुआ है। अच्छा, कश्मीर में तो सर्दी बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन इस मरतबा ये देखा गया है कि जम्मू और दीगर शहरों में ज्यादा सर्दी थी कश्मीर के मुकाबले में। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है होना ही था, क्योंकि जब से जम्मू ये कश्मीर और लद्दाख में मौसम ठीक रहता है तो यहाँ पे मौसम ठीक रहने की वजह से दिन में अच्छी धूप निकलते हैं, लेकिन वहाँ मैदानी इलाकों में जैसे जम्मू हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, वहाँ पे दिन भर कोहरा रहता है, कोहरा कुछ भी नहीं लेकिन ये बादल है, तो ठीक कोहरा रहने की वजह से कोहरा से जो सूरज के जो किरण है वो जमीन तक पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए वहां का दर्जा रत ठंड रहा है। यानी कि लोग बहुत बोलते हैं कि भाई इस बार जम्मू में ठंड ज्यादा है कश्मीर के लद्दाख के मुकाबले में, ये इसलिए हुआ है। जी जी, तो आपका यही कहना है कि 29 के बाद हो सकता है कोई बर्फबारी? 29 जिसमें लगता है, लेकिन वो भी कोई तगड़ा बर्फ लगता नहीं है।